नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो करंट के बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, यानी सेकंड ईयर पहुंच गया, थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं या थर्ड ईयर पास आउट हो गए हैं, बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट के एग्जाम की वजह से बहुत सारी क्लासेज आपकी सस्पेंड रहने वाली हैं इस पूरे हफ्ते, यानी 24, 25, 26, 27 को, यानी मंगलवार से लेकर के शुक्रवार तक तो बैक पेपर इम्प्रूवमेंट का एग्जाम है। साथ ही साथ कुछ जो पीजी के कोर्सेज है उनकी पेपर की बैक पेपर इम्प्रूवमेंट का 23 को भी है। तो इस दरमियान बहुत सारे डिपार्टमेंट ने नोटिस भी जारी की है। अभी अंग्रेजी विभाग से नोटिस आई है कि इसकी क्लासेज पूरे सप्ताह पर सस्पेंड रहेंगे ड्यू टू बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट एग्जाम। अब ध्यान इसमें देना है कि किसकी क्लासेज बंद रहेंगी, किसकी क्लासेज शुरू रहेंगी। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए क्योंकि बड़ी उथल पुथल रहने वाली है इस हफ्ते। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस का बैक पेपर इम्प्रूवमेंट का एग्जाम है वो तो कला संकाय परिसर यानी आर्ट्स फैकल्टी में होगा। बच्चों को अपना सेंटर वैसे भी पता चल जाएगा जब आप अंदर एंट्री करेंगे। इसके साथ जो पीजी के कोर्सेज है इनका जो बैक पेपर इम्प्रूवमेंट का एग्जाम है वो उनके डिपार्टमेंट में होगा, जिस डिपार्टमेंट में वो पढ़ते हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं कॉलेज का, तो कॉलेज का बैक पेपर इम्प्रूवमेंट कॉलेज के कैंपस में होगा, यानी जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक एक शिफ्ट में फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर के शायद एग्जाम है, देख लीजिएगा टाइम टेबल ध्यान से आप। 11 से लेकर 2 तक पीजी वाले बच्चों का है, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर वाले बच्चों की बारी आ जाती है 2 से लेकर 5 तक। तो टाइमिंग एकदम सेट है पूरी तरीके से। तो साइंस फैकल्टी की कुछ क्लासेस चलेंगी, कुछ क्लासेस नहीं चलेंगी। बीकॉम फैकल्टी की कुछ क्लास चलेगी, कुछ क्लास नहीं चलेगी। लॉ फैकल्टी की क्लासेस चलेंगी और क्योंकि उनका सेमेस्टर प्रणाली है तो ये भी ध्यान देना है आपको। आर्ट्स फैकल्टी में जहां सेंटर बनाया जाएगा वहां की क्लासेस सस्पेंड रहेंगी। जिस सेंटर में आपका एग्जाम होगा बैक पेपर इम्प्रूवमेंट का, 2-3 डिपार्टमेंट में एग्जाम आपका हो जाता है, 2-3 डिपार्टमेंट में, तो इस वजह से उस डिपार्टमेंट की क्लासेस तो बंद रहेंगी। FCI बिल्डिंग में पेपर नहीं होता तो वहां की क्लासेज हो सकता है रन करें, लेकिन जैसे विभाग ने सूचना जारी की है एकदम स्पष्ट, अंग्रेजी विभाग ने सूचना जारी की है, CMP डिग्री कॉलेज ने सूचना जारी की कि मुख्य परिसर में क्लासेस नहीं चलेंगी। ऐसे ही 23 तारीख को मैक्सिमम की सूचना आ जाएगी। तो ये बात बतानी थी आपको कि आपकी मैक्सिमम क्लासेस 24 से लेकर के 27 तक बंद रहेगी। अब जिन बच्चों का एडमिशन है तो उनका एडमिशन चलता रहेगा, हॉस्टल के फॉर्म आपके भरते चलेंगे, साथ ही साथ विभाग में कोई काम आपका नहीं होगा एक बार जान लीजिए, क्योंकि विभाग में परीक्षाएं होंगी, ऑफिशियल वर्क सारे FCI बिल्डिंग में होते हैं वो होते रहेंगे। जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में पेपर नहीं हो रहा वहां की क्लासेस चलेंगी, लेकिन बड़ा उथल पुथल रहने वाला है इस हफ्ते जो पूरा का पूरा शेड्यूल है। तो इस वजह से आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा अपने डिपार्टमेंट के नोटिस पे, बहुत ध्यान से आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिस विभाग के आप विद्यार्थी हैं उसके टीचर आपको बता देंगे कि आपकी क्लासेस चलेंगी कि नहीं चलेंगी। ये पूरी सूचना है, पूरी जानकारी है, इसको आपको बताना था। बैक पेपर इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे 24, 25, 26, 27 जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हैं ये अपना पेपर देंगे। इसके साथ साथ टाइम टेबल का विशेष ध्यान रखिए, समय का विशेष ध्यान रखिए। सेंटर आपको किस डिपार्टमेंट में आपका पेपर होना है वहां पे जाके आपको पता चलेगा। जो एक स्लिप आपको मिली है जब आप फॉर्म भरते टाइम बैक पेपर इम्प्रूवमेंट का जब जमा कर रहे थे, वो स्लिप आपको लेके जाना है, अपना आईडी कार्ड आपको लेके जाना है, इससे आपकी एंट्री हो जाएगी। ये पूरी इतनी सूचना थी। बैक पेपर इम्प्रूवमेंट में जो बच्चे फॉर्म भरे उसमें जरूर ही उसमें परीक्षा दें, वरना आपके लिए समस्या बाद में हो सकती है। कॉलेज की परीक्षा कॉलेज में होगी, कैंपस की परीक्षा कैंपस में होगी। आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत शुभकामनाएं। जो वर्तमान के छात्र हैं जिनकी क्लासेस सस्पेंड है वो सब इस समय का यूज करें, क्योंकि समय बहुत जल्दी बीतता चला जा रहा है। तो इस वजह से आप अपनी पढ़ाई पे, पठन पाठन पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षाएं भी मार्च में शुरू हो जाएंगी, तो ये बहुत ध्यान से देखना है। तो मैक्सिमम क्लासेस सस्पेंड रहेंगी कल तक, 23 तारीख तक सारी सूचना आ जाएगी। उसके बाद आप लोग जो भी संबंधित ग्रुप में आप जुड़े हैं वहां पे भी आपको आपके टीचर हो सकता है इन्फॉर्म कर दें। ये सूचना थी, ये जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, आप लोग उसको भी ज्वाइन करिए। थैंक यू।